हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रही हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो होती है। हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में बोला गया है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री सॉल्व करके 2 आ रही हो तो इट इज़ नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 3 आ रही है, 1 आ रही है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वेयर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो एक ज्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से। हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। बेसिकली इन क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना है, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लेंथ एंड ब्रेथ बताऊंगी, जिससे कि हमें आगे के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। पेपर में जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसके अंदर हमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी एक्स मीटर जरूर लिखना। मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ जो बच्चे बहुत गलती करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितने, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। हम 2x+1 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट लगाकर मीटर। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी x इंटू 2x+1, और हमें वो दे रखा है 528, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 2x² + x इज इक्वल टू 528। 2x² - प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने पहले भी कर रखा है 9th क्लास के अंदर। 528 इंटू 2 करेंगे हम लोग, 2 8 16, 2 2 4 5, 2 5 10, 1 0 5 6 आ गया। हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर फैक्टर्स बना के हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। हम देख रहे हैं इधर 2 से भी कर सकते हैं, 2 देन 33 आ गया, 3 11 आ गया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, 12 दुनी 24। दो दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32 एंड 33। 33 और 32 बन गए तो हमारा बीच में 1 आ जाएगा। तो 2x² + पहले हम बड़ी टर्म लिखेंगे फिर छोटी टर्म लिखेंगे। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो x कॉमन आ रहा है 2x + 33। इसके अंदर से हम 16 कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे दोनों, हमें पता है हमारे फैक्टर्स ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस बच जाएगा, और वैसे भी इन दोनों में 16 ही कॉमन आएगा। तो x - 16 एंड 2x + 33 इज इक्वल्स टू 0 साथ साथ चलेगा। x - 16 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 33 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू 16 आ गई और एक एक्स की वैल्यू -33/2 आ गई। लेंथ नेवर बी नेगेटिव, ब्रेथ नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, हमें लिख के शो करना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 16। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो 2x+1 था, x की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 32 + 1 यानी 33 मीटर आ गई, जो कि हमें बोला था निकालने के लिए।